नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजीत। डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड के कोरियम्मा पंचायत पार्वतीपुर के 8 नंबर वार्ड में। इसी महीना 17 जुलाई को पार्वतीपुर में इस महादलित लोगों को आग लगने की वजह से कई घर जलकर राख हो गई थी। हालांकि बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जब आग लगने की वजह से इस तरह से आपदा में होती है तो सरकार की तरफ से कई योजना है इन परिवार को, ऐसी परिवार को, पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान होती है। लेकिन 17 तारीख की इस घटना घटी थी, यहाँ पे आग लगी थी, कई घर कर जल कर राख हो गई थी, लेकिन आज तक जो है इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को, इस महादलित बस्ती में जहाँ पे आग लगी थी, अंचलाधिकारी आज तक नहीं आए हैं और इन परिवार को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिली है। हालांकि हमारे संज्ञान में ये पता चला है कि यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया प्लास्टिक का पन्नी तत्काल रहने के लिए लोगों को दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का इन पीड़ित परिवार को लाभ नहीं मिली है। हालांकि मैं जानने की कोशिश करूँगा आग लगने के बाद जो है इस महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है, अपना जीविकोपार्जन, अपना बच्चा का जो है कैसे इनका जीवन यापन हो रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे पार्वतीपुर वासियों से। ये आपके घर में आग कब लगी थी, क्या हुई थी आपके साथ? गैस फट गया सर। कब? वही 17 तारीख। अच्छा, 17 तारीख को आग लगी थी आपके घर में? हाँ। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुई थी आपके घर में? सारे मक्के गेहूँ सब जल गया, कपड़ा लत्ता सब जल गया, बर्तन बासन सब जल गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ जो कपड़ा है वही बचा है पहनना। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बचा हमारे। अच्छा, कितना घर जो है जल कर राख हुई थी इस पार्वतीपुर में? 9 घर जल कर राख हुई। 9 घर? हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है महादलित लोग कितना लोग बसे हुए हैं? यहाँ कम से कम 200 लोग से ऊपर है महादलित। अच्छा। हाँ। तो आप लोग अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, क्या काम धाम करते हैं? अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी इधर उधर घर बनाने के चक्कर में मांग उंग कर लाते हैं, फट्टी बांस अपना बना रहे हैं। पहले क्या करते थे परिवार चलाने के लिए, कौन सा काम करते थे? मजदूरी करते थे, बाहर जाते थे दिल्ली पंजाब। अच्छा। हाँ, कमा मर कर खाते थे। 17 तारीख से लेके आज तक जो है आपको किसी भी तरह का सरकारी लाभ मिली है? कुछ लाभ नहीं मिला है, 1 बोरा चावल मिला। अच्छा, चावल 1 बोरा कौन दिए थे? वही सरकारी आदमी दिए थे। उनका नाम क्या है, क्या नाम है? अमोल देवी दिया था। अमोल देवी? हाँ। अच्छा, प्रमुख जी हैं? हाँ, प्रमुख जी। उसके बाद प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ मिला है? हाँ, प्लास्टिक व्लास्टिक भी मिला है। ये इतना बड़ा हादसा हुई है आपके टोला में, किसी पदाधिकारी को आप लोग लिखित आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? कहा हो जाएगा, मिलेगा मिलेगा, ये सब कह रहा है। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? घरे न मांगेंगे सर, घर जल गया है, अनाज जल गया है, बर्तन बासन जल गया है, यही ना, हमको कपड़ा लत्ता सब जल गया, यही ना मांगेंगे। तो आपके टोला में आग कैसे लगी थी? सर, हमारे घर में खाना बने रहे ना सर, तो वह सिलेंडर फट गए, एक मतलब भबक गए ना, सिलेंडर फट के कहाँ गए से कोई पता नहीं है। अच्छा। 9 गो घर जल गए सर। देखिए, घर में एगो सामान रहे छे, नहीं ना रहे छे, कितना कपड़ा लत्ता भले, जेवर जाल भले, खाली शरीर में जब पिन्हने रहिए वही बस, बाल बच्चा सब मतलब निकल तखन भाग ली। तखन गेस्ट के आवाज़ सुनले सब, डर से कोई बतबेलो नहीं अल्ले, गैस का आवाज़ नहीं रहते रहेगा ना, चूल्हा मस लगते तो बचेबे ना करते है, डर से सर कोई नहीं गले। देखियो सर, कुछ लाभ कुछ सरकार से नहीं मिले, एगो खाली वही अमल देवी जो कहे छे वही एगो बड़ा चावल दलखन एक, और सरकार घर से खाली एगो पल्ली दलखन बस, सर कुछ नहीं। आपके ही घर में आग लगी थी? हाँ जी। हम कब लगी थी, कितना तारीख? सुबह मतलब चल जी 8 बजे खाना बनने के टाइम में आग लगा हुआ था। 8 बजे सुबह में 17 तारीख, 17 जुलाई को? हाँ, 17 जुलाई को आग लगा था खाना बनने के टाइम में। अच्छा। उसके बाद जितना भी था 9 घर मतलब जल गया, वो तो आदमी बहुत था जो किसी भी तरह से आपको प्रयास करके रोक लिया, नहीं तो आग लगने का मतलब तो बहुत दूर तक आग लग चुका था, लेकिन ऐसे सब भाई था यहाँ मौजूद था जो किसी तरह से हेल्प करके बंद कर लिया। वीडियो के एडिट होने तक पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि मिल चुकी थी, जिसकी पुष्टि खुद अंचला अधिकारी ने की है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार बोल रहे हैं, रिपोर्टर बखरी। कहाँ से? बखरी से बोल रहे हैं, रंजीत कुमार जी, पत्रकार हैं मैम जी। जी बोलिए।
मैम आपका सरकारी नंबर बंद रहता है, कई बार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, बात नहीं हो रही थी। अच्छा, मैडम तो अभी लगाइएगा थोड़ी देर के बाद, देखते हैं उसको, देख लेते हैं। मैडम एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए तो लिखे जी। बोलिए मैडम, जो कोडियामा पंचायत में जो पार्वतीपुर जो आग जो लगी थी, कोडियामा पंचायत पार्वतीपुर, हाँ बोलिए, आग लगी थी, लगभग 10 घर जलकर जो राख हुई थी मैडम, उनका क्या कुछ लाभ मिला है थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम बातचीत करने गए थे, स्टडी करने गए थे, लोग बता रहे थे कि आज तक अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है सरकारी लाभ। नाजिर बाबू से उसका अकाउंट और सब कुछ ले लीजिए, हम लोग CFMS के माध्यम से भेज दिए हैं, सभी लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया है, तो आप आके ऑफिस से उसका ये ले भी सकते हैं। आप देख रहे थे बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड के कोरियम्मा पंचायत पार्वतीपुर वार्ड नंबर 8 की इस महादलित बस्ती की स्थिति। आग लगने के बाद इस महादलित बस्ती की क्या स्थिति बनी हुई है, वह खूबी आप हमारे वीडियो में देख रहे थे। मैं फिर से गढ़पुरा अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं तमाम जनप्रतिनिधियों से एक अपील करना चाहूँगा कि इन महादलित परिवार के लिए थोड़ा सा सक्रिय होकर इनका हक अधिकार दिलाने में आप सहयोग करिए। आपदा विभाग से जो मुआवजा मिलने का प्रावधान है सरकार का, वो इन महादलित बस्ती में आप देने का प्रयास करिए, ताकि इस महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों की जो पीड़ित परिवार है जिनके घर में आग लगी थी, उन परिवार के जीवन में बदलाव आ सके, अपना बच्चा का भरण पोषण कर सके। मैं हूँ रंजीत, कैमरामैन सुमित कुमार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।